बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन में वही हुआ जिसके लिए पुतिन ने जेलेंस्की को वार्निंग जारी की थी। यूक्रेन ने अमेरिका से मिले एक क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया और इस हमले में रूस के एक पत्रकार की जान चली गई। रिपोर्ट है कि रूस के पत्रकार रोस्टिस्लाव जुरालेव ज़ापोरोजिया के पास रिपोर्टिंग कर रहे थे कि तभी वहां यूक्रेन ने क्लस्टर बम से हमला किया और इसमें कई लोग हताहत हुए हैं। इनमें से एक रूस के पत्रकार रोस्टिस्लाव जुरालेव की मौत हुई है जबकि कई और पत्रकार जख्मी भी हुए हैं। रूस ने इसी बात के लिए बाइडेन और अमेरिका दोनों को आगाह किया था। अब पुतिन क्लस्टर बम वाले हमले का जवाब कैसे देंगे, इसके लेकर पूरे नेटो में दहशत फैल गई क्योंकि मामला बहुत गंभीर है। क्लस्टर बम से हमले शुरू हो चुके हैं। वैसे अमेरिका से बड़ी बड़ी खबर यह है कि बाइडेन बुरी तरह डर गए हैं और उन्होंने अपने नए होशियार हथियार पैकेज में से जेलेंस्की को और ज्यादा क्लस्टर बम न देने का फैसला ले लिया है। जिस क्लस्टर बम से जेलेंस्की पुतिन को डराना चाहते थे, अब उसी क्लस्टर बम से बाइडेन खौफ में आ गए हैं। जिस क्लस्टर बम से जेलेंस्की पुतिन को बर्बाद करने का दम भर रहे थे, उसने बाइडेन के चेहरे पर शिकन ला दी है। जिस क्लस्टर बम से जेलेंस्की ने रूस को तबाह करने की ठानी थी, उसने बाइडेन को डरावने ख्वाब दिखाने शुरू कर दिए। बाइडेन इतना डर गए हैं, इतने भयभीत हैं, इतना परेशान हो गए हैं कि उन्होंने जेलेंस्की को देने वाले अगले मिलिट्री पैकेज में क्लस्टर बम को शामिल करने से इनकार कर दिया है। बाइडेन के हथियार पैकेज से क्लस्टर बम गायब है। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अमेरिका बहुत जल्दी यूक्रेन को $400 मिलियन यानी करीब 3,500 करोड़ रुपए का मिलिट्री पैकेज देने वाला है। ये जेलेंस्की के लिए बहुत अच्छी खबर है। इस पैकेज में स्ट्राइकर बख्तरबंद गाड़ी होगी। इस पैकेज में माइन हटाने वाली गाड़ी शामिल की गई है। इसमें एंटी टैंक मिसाइल जेवलिन भी है जिसने रूस के टैंकों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। इसमें हिमार्स भी है जो बहुत ही खतरनाक मल्टी रॉकेट सिस्टम है। साथ ही जमीन से हवा में मार करने वाला सिस्टम नैसम्स को रखा गया है और पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम भी शामिल किया गया है। बाइडेन ने जेलेंस्की को स्टिंगर मिसाइल भी देने का फैसला किया है। लेकिन हैरत की बात है कि नए पैकेज से क्लस्टर बम का जिक्र गायब है। क्लस्टर बम का ना होना जेलेंस्की के लिए क्या संदेश दे रहा है? क्योंकि काउंटर अटैक की असली ताकत तो क्लस्टर बम को बताया जा रहा था, वही क्लस्टर बम जिसके दम पर जेलेंस्की पुतिन को बर्बाद करने का दम भर रहे हैं। पश्चिमी मीडिया में आ रही रिपोर्ट में अमेरिका के दो बड़े अधिकारियों का जिक्र किया गया है। दावा यह है कि इस बार बाइडेन जेलेंस्की को जो मिलिट्री पैकेज देने वाले हैं उसमें क्लस्टर बम को शामिल नहीं किया गया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अभी इस पैकेज में जिन जिन हथियारों को शामिल किया गया उस पर फिलहाल फाइनल मुहर नहीं लगी है। आखिरी वक्त में उसमें बदलाव भी किया जा सकता है और इस बात से भी पूरी तरह इनकार नहीं किया जा सकता कि अमेरिका यूक्रेन को क्लस्टर बम नहीं ही देगा। लेकिन फिलहाल तो इसे लिस्ट से बाहर रखा गया है। ये पूरी दुनिया देख चुकी है कि अमेरिका ने जुलाई में ही यूक्रेन को ड्यूअल पर्पस इंप्रूव्ड कन्वेंशनल म्यूनिशंस यानी DPICM दिया। ये एक तरह का क्लस्टर बम ही होता है जिसे 155 मिलीमीटर की होवेट्जर तोप से फायर किया जाता है।
अब आप इस तस्वीर को देखिए जो कुछ दिन पहले ही आई थी। इसमें दावा किया गया कि अमेरिका से आए क्लस्टर बम यूक्रेन के बखमूत पहुंच चुके हैं। ये वही पूर्वी यूक्रेन का बखमूत है जिसके बड़े इलाके पर रूस की सेना का कब्जा है। वीडियो में साफ देख सकते हैं कि यूक्रेन को लड़ाकू विमान और तोप से दागने वाले क्लस्टर बम दिए गए हैं। यूक्रेन भी सबसे ज्यादा क्लस्टर बम से हमले अपनी घातक तोपों के जरिए करेगा। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक बड़े क्लस्टर बम में गेंद की तरह देखने वाले सैकड़ों बम हैं, जो जमीन पर गिरते ही सैनिकों के चीथड़े उड़ा देते हैं। एक क्लस्टर बम में आमतौर पर गेंद की तरह 88 से 100 बम होते हैं। बाइडेन और ज़ेलेंस्की को अब लगता है कि वो पुतिन की सेना को क्लस्टर बम के जरिए ही हरा पाएंगे। Gotten some initial feedback from the Ukrainians, and they're using them quite effectively. And they have again, without violating their operational security, I would just tell you that they're using them appropriately. They're using them effectively, and they are actually having an impact on Russia's defensive formations and Russia's defensive maneuvering. बाइडेन ने यूक्रेन को क्लस्टर बम की एक खेप तो पहुंचा दी, जिसके दम पर ज़ेलेंस्की की सेना यूक्रेन पर पलटवार कर रही है। लेकिन क्या आगे भी वो इसी तरह से यूक्रेन को क्लस्टर बम देंगे, इस पर साफ साफ कह पाना मुश्किल है। और मीडिया रिपोर्ट की माने तो शायद आगे बाइडेन यूक्रेन को सबसे खतरनाक क्लस्टर बम देने से बचे। इसकी बहुत बड़ी वजह पुतिन की धमकी मानी जा रही है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर ज़ेलेंस्की ने क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया तो वो भी इस तरह के बम से पलटवार करेंगे। पुतिन ने बिल्कुल साफ कह दिया है कि वो यूक्रेन को क्लस्टर बम देकर नैटो ने तबाही और बर्बादी को बुलावा दे दिया है। запас различного рода кассетных боеприпасов различного рода. Мы до сих пор этого не делали, не применяли, и у нас не было такой необходимости. Несмотря на известную нехватку в определенный период времени, и у нас тоже боеприпасов, но... जब से बाइडेन ने ज़ेलेंस्की को क्लस्टर बम का तोहफा भेजा है, उसके बाद रूस के तेवर देखने वाले हैं, क्योंकि अब पुतिन ने दिखा दिया है अपना क्लस्टर बम वाला गोदाम। पुतिन के हथियार गोदाम में क्लस्टर बम का बड़ा स्टॉक रखा हुआ है, ये बात पुतिन ने बताई है। और उनका क्लस्टर बम अमेरिका से भेजे गए क्लस्टर बम से ज्यादा खतरनाक है। पुतिन के गोदाम में एक नहीं 10 तरह के क्लस्टर बम है। पुतिन का क्लस्टर बम ऐसी मौत देता है जिसे देखकर रूस के दुश्मनों की रूह कांप जाएगी। पुतिन ने बहुत साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि उनके पास क्लस्टर बम का गोदाम भरा पड़ा है। ये बम रूस ने नैटो के लिए तैयार रखे हुए थे, लेकिन अब ज़ेलेंस्की को अमेरिका से क्लस्टर बम मिलने के बाद पुतिन इस गोदाम का दरवाजा खोलने पर मजबूर हो गए। पुतिन के पास ऐसे सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों बम हैं, जो कीव के साथ खारकीव को जलते हुए कब्रिस्तान में तब्दील कर सकते हैं। क्लस्टर बम अपने टारगेट को 98% मौत की गारंटी देता है, क्योंकि इस बम की नाकामी का रेट 2.5% से भी कम है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा इन्हीं 2.5% वाले नाकाम बमों से होता है, क्योंकि यही दुश्मन के बाद वहां के आम लोगों की सबसे ज्यादा जान लेते हैं। क्लस्टर बम के इस्तेमाल का मतलब है बर्बादी, तबाही। इस बम का इस्तेमाल सबसे ज्यादा दूसरे विश्व युद्ध में हुआ था। इसे विमान से गिराकर काफी ज्यादा बड़े इलाके को नुकसान पहुंचाया जाता था। क्लस्टर बम बहुत ही खतरनाक हथियार माना जाता है। इस पर 120 से ज्यादा देशों ने पाबंदी लगाई हुई है। इसकी बड़ी वजह समझने के लिए आपको क्लस्टर बम को समझना होगा। ये एक ऐसा बम होता है जिसके अंदर सैकड़ों छोटे छोटे बम होते हैं। ये अपने टारगेट के ऊपर एक निश्चित ऊंचाई पर खुल जाता है और उसमें से फिर लॉन्च होते हैं सैकड़ों मौत बरसाने वाले बम, जो क्लस्टर की तरह अपने टारगेट पर टूट पड़ते हैं। में से कई बम फटते हैं तो कई बिना फटे जमीन पर रह जाते हैं, और यही वजह है कि युद्ध खत्म होने के बाद ये लावारिस बम आम लोगों के लिए खतरा बन जाते हैं। इसीलिए दुनिया में क्लस्टर बम के खिलाफ एक आम राय है,
हालांकि जो अमेरिका क्लस्टर बम का विरोधी है, बावजूद इसके वो इसे यूक्रेन सप्लाई कर चुका है। हालांकि आगे भी वो इसकी सप्लाई यूक्रेन को करेगा, इसे पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता है। हाँ, इतना जरूर है कि वो दूसरे हथियार जरूर यूक्रेन को सप्लाई करता रहेगा। देखा जाए तो यूक्रेन अब तक अमेरिका और नेटो देशों के हथियारों के दम पर ही लड़ रहा है। ये दुनिया जानती है कि अगर अमेरिका यूक्रेन को मिलिट्री सहायता नहीं देता तो शायद ज़ेलेंस्की की सेना कुछ महीनों में ही रूस की विशाल सेना के आगे घुटने टेक देती। फरवरी 2022 में जंग शुरू होने के बाद से अब तक अमेरिका यूक्रेन को 42 बार मिलिट्री पैकेज दे चुका है और 43वीं बार सैन्य सहायता देने पर विचार चल रहा है। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि अगस्त में बाइडेन ज़ेलेंस्की को हथियारों की एक और खेप भेज देंगे। इस तरह से देखा जाए तो अमेरिका यूक्रेन को $41 बिलियन की सैन्य मदद दे चुका है। जंग के 15 महीने बाद ये साफ हो चुका है कि जंग में रूस को हराना आसान नहीं। यूक्रेन, नेटो और पश्चिमी देशों के तमाम हथियार और सैन्य मदद रूस के सैनिकों ने नाकाम कर दिया है। भारतीय यूक्रेन को देख अमेरिका ने ऐसा बम देने का फैसला किया जो जब जमीन पर गिरता है तो आसपास सिर्फ बर्बादी के अलावा कुछ नहीं छोड़ता। लेकिन पुतिन के गुस्से के बाद जिस तरह से बाइडेन क्लस्टर बम से तौबा करते नजर आ रहे हैं, उससे ज़ेलेंस्की की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी।